नमस्कार, मैं हूं मयूर और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रातें। इस सॉन्ग को आप कैसे आसानी से गा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनते हुए इस वीडियो को फॉलो करें, आप बड़ी आसानी से इस गाने को अच्छा कर पाएंगे। डी शार्प यानी दूसरे काले का तानपुरा मैंने प्ले किया है और इसी स्केल में इस पूरे गाने को मैं आपको सिखाऊंगा तानपुरी के साथ। बॉयज़ के लिए ये स्केल ठीक रहेगा, फिर भी आप चाहें तो ऊंचा या नीचा कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए इसके लिए ए शार्प के अराउंड स्केल ठीक हो सकता है, फिर भी आप अपनी सहूलियत से इसे ऊंचा या नीचा कर सकते हैं। ये गाना राग विहाग पर आधारित है, तो उसके आरोह अवरोह या थोड़े से सुर लगाने की बात करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा गाऊँगा, फिर उसे ब्रेक करके डिटेल में करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनें। राग विहाग में दोनों मध्यम यूज होते हैं म, तो उसी प्रकार से अवरोह में दोनों म लगाते हुए वापस आएंगे। सबसे पहले ओम बोलेंगे। आप नोट कर सकते हैं, साथ में भी गा सकते हैं। नी सा ग म प नी सा नी ध प म प ग म ग नी सा। रे को बहुत ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। गारे सा, गासा, ऐसे भी गा सकते हैं। एक बार और रिपीट करूंगा। नी सा ग म प नी सा नी ध म म प ग म ग। ये इसके आरोह अवरोह हैं। पकड़ भी गा लेते हैं, सिंपल है, उन्हीं स्वरों में है पकड़। नी सा ग म प म प ग म ग सा। सिंपल, इसे आप लिख लें, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा गाने का आपको अच्छा फील हो सकता है कि आप आसानी से सुर में बिठाते हुए चल सकते हैं। ये सा है, आ, ये सा है डी शार्प स्केल का यानी दूसरे गाने का। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसबुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। इन दो लाइनों को, स्थाई को सबसे पहले अच्छे से सुनिए और समझिए। इस वीडियो के साथ आप बहुत ध्यान से जितने अच्छे से इसे सुनेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा इस गाने को अच्छा बना लेना। बीच बीच में आप अपना सा भी मिलाते रहें, इस तरह से सा, इससे आपका स्केल स्थिर रहेगा और आपके सुर भी अच्छे लगेंगे। सा नाओ सा प दिल प दिल दिल दिल
वापस आ गए। दिल आ सा पा दिल 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 ढूंढता है, दिल अच्छा लगना चाहिए तभी इसकी खूबसूरती बनेगी। फुर्सत के रात दिन दिन फुर्सत के रात दिन रात दिन, ये टेल जो एंड में जाए दिन दिल फिर वो जुड़ के आ जाएगा वापस। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, इस तरह से दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे सा बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे वहीं रोक देंगे उसको। बैठे रहे बैठे रहे तसव्वुर, ये ध्यान से समझने वाला पार्ट है। बैठे रहे सा
जाना 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 आ जाना जाना किए किए हुए किए किए पार्ट्स को समझिए। जाना किए हुए हुए कदम सिर्फ ये टेल इसमें हमने जोड़ दिया हुए जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है अब अगले स्टंजा की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने और फॉलो करते चले। जाड़ों की नरम धूप आंगन में लेट कर जाड़ों की नरम धूप आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को आंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही। अब इसे डिटेल में करते हैं। सबसे पहले ओम बोलेंगे। जाड़ों की नरम धूप बहुत ही सिंपल आ जाड़ों की नरम धूप नरम धूप आंगन में आंगन में इसको बहुत कोशिश करके नहीं गाना है। आंगन में ले लेत कर जाड़ों की आ जाड़ों की नरम नरम धूप आंगन में लेट कर। आप इसे सीधा भी कर सकते आंगन में लेट कर जाड़ों की आंगन में ले ले आ लेट कर आंगन
आंखों पे खींच कर तेरे, वही रोक सकते हैं, खींच कर तेरे आंचल। ये पार्ट बहुत ध्यान देने वाला है। आंखों पे खींच खींच कर तेरे आंचल 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 के साए को, आंचल के साए को। आंखों पे खींच कर तेरे सीधा आंचल आंचल का चल, ये वाला जो ट्रेवल कर रहा है इसको ध्यान से समझ रहे हैं। साए को मीड के साथ ऐसे सुरों से घुमाते हुए ले जाना, चल के साए को, सा आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को ना। आंधे पड़े रहे कभी, जो ट्यून पहले की हम कौन सी, बैठे रहे तसव्वुरे जाना के हुए, वही आंधे पड़े आंधे पड़े रहे कभी, आंधे पड़े इसको अलग रहे कभी कभी। पहले वहां रुक जाएंगे, चाहे तो आप वहीं छोड़ सकते हैं, भी नीचे लाएंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। रहे रहे कभी 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 सा कभी कभी करवट लिए हुए करवट, जो अभी थोड़ी देर पहले जाना करवट लिए हुए, आंधे पड़े रहे करवट लिए हुए, दिल ढूंढता है। अब अगले स्टंजा की तरफ बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुने पूरे लेसन में, बीच बीच में जहां टाइम मिले वहां सा मिलाते रहें, उससे आपका स्केल स्थिर रहेगा। या गर्मियों की धूप पर पुरवाइयां चले, या गर्मियों की धूप पर पुरवाइयां चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए,
डिटेल में करेंगे, आप ध्यान से सुने। या गर्मियों, बहुत सिंपल है, या गर्मियों गर्मियों की धूप की धूप। ट्यून सेम है बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कमेंट आते हैं कि पूरा ही गाना बता देते, इसलिए इस बार चाहे गाना लंबा हो मैं पूरा ही आपको बताऊं। के धूप या गर्मियों के धूप के धूप और चले या गर्मियों या पहले या गर्मियों की धूप पुरवाई चले या गर्मियों की धूप पुरवाइयां चले ठंडी 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 सफेद ठंडी सफेद सफेद चादरों पे सोए देर तक रों सोए देर, जो मैंने अभी लास्ट स्टेज में मीड बताया था, ठंडी सफेद चादरों पे सोए। आप अपने हिसाब से भी इसमें मॉड्यूलेशन ला सकते हैं अपने तरीके से। देर तक तारों को छत पर पड़े हुए छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है या गर्मियों के धूप पुरवाइयां चले या गर्मियों के धूप ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक तारों को देखते रहे छत पर
पड़े हुए दिल ढूंढता है बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने आंखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए दिल फिर वही फुर्सत के रात दिन। अब इसे डिटेल में करते हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले सा बोलेंगे, सा बर्फीली सर्दियों में आ बर्फीली सिंपल बड़े की जगह बर्फीली सर्दियों में ये भी सिंपल सर्दियों में किसी किसी भी पहाड़ पर किसी भी किसी भी पहाड़ पर हाँ बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूँ वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने हर बार हर स्टेंजा में ये मीट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। खामोशियां सुने वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने आँखों में भीगे से आँखों में भीगे से भीगे से आँखों में भीगे से लम्हे लिए हुए लम्हे जाना करवट छत पर जाना
किए हुए। हर स्टैंजा में वही चीज, ट्यून सेम है बिल्कुल, बट फिर भी मैंने सारे स्टैंजा आपको अलग अलग करवाया था कि आप बहुत अच्छे से सुन सके। सो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन से आपको जरूर हेल्प होगी और ये गाना जरूर आप बेहतर कर पाएंगे। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब था और अभी थोड़े दिन पहले भूपिंदर जी की जो खबर आई तो उससे मैं बड़ा दुखी था और ये गाना लगातार सुन रहा था, तो सोचा आपसे शेयर करूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये गाना आप ज़रूर बेहतर कर पाएंगे और इसी तरह के और भी मेरे लेसन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई इस तरह का गाना देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।